अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इंजीनियर शेर अफजल, टेक्निकल सेल्स इंजीनियर एट ट्राइसन एनर्जीज। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मेरे हाथ में एक बॉक्स है। आप लोगों ने गेस किया होगा कि ये कोई सोलर के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होगा। जैसे कि मैंने इससे पहले भी सोलर के रिलेटेड चीज़ें आपके साथ शेयर की है, तो टुडे वी हैव अ स्मार्ट मीटर जिसको हम जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी कहते हैं। आज इसकी अनबॉक्सिंग करनी है और ये चीन का है और हुआवे के साथ सपोर्टेड है और हुआवे वाले खुद इसको रिकमेंड करते हैं। तो लेट्स ओपन इट, इसके अंदर क्या क्या है और बताएंगे हम कैसे। तो बॉक्स का जो लेवल है, जो स्टिकर है, वो मैंने खोला हुआ है और इसमें सबसे पहले जो हमें पर्ची मिलती है, इस पर्ची में हमारे पास चार कंपोनेंट्स है, बल्कि तीन कंपोनेंट्स मेन है। एक है पावर सेंसर है, तीन सीटीज होती हैं क्योंकि ये डिवाइस होती है थ्री फेज डिवाइस है, ये सिंगल फेज डिवाइस नहीं है। तो इसमें तीन सीटीज लगे होते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर जो कि करंट मेजर कर रहा होता है। इसके अलावा एक केबल मिल रही होती है जिसको हम फीडबैक केबल RS485 केबल कहते हैं, जो हमें फीडबैक केबल होती है जो कि थ्री फेज जो केबल है उससे हमारे पावर सेंसर में आती है। तो लेट्स ओपन, ये हमारा जो है पावर सेंसर, ठीक है, ये क्या है, पावर सेंसर है। ये पावर आपको बता रहा होगा कि कौन से फेस पे कितनी करंट आ रही होती है और इस हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर्ड जो डिवाइस भी मैंने आपको एक वीडियो के साथ वीडियो लगा के मैंने शेयर की थी, तो ये डिवाइस है जिसमें हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फीडबैक वो लगेंगे, बाकी ये जो हमारी जो टर्मिनल है ये हमारी जो है इन्वर्टर में जाएंगी और दूसरा ये यहाँ से केबल आएगी जो उसको हम फीडबैक या कम्युनिकेशन जो केबल होती है वो इन्वर्टर पर भी लगती है, बाकी जो है ना ब्रेकर्स के साथ भी ये अटैच होंगे। इसके अलावा ये सीटीज और केबल्स मैं दिखा देता हूँ, ये तीन सीटीज लगी हैं और ये एक एक फेस के लिए एक एक सीटीज हैं, ठीक है। ये आपको इसी तरह ये खुल जाते हैं और ये लग जाती हैं, केबल इसके पास तो हो जाता है इससे। ये तीन सीटीज हैं जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और तीन सीटीज की तीन केबल्स हैं जो कि थ्री फेस वायर से गुजरते हुए हमारे जो ये वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल में लग जाती हैं आगे, सही है। इसके अलावा एक और केबल आती हैं जो कि हमारे ब्रेकर्स के साथ अटैच हो जाती है, ये वाली केबल, इसको हम कम्युनिकेशन केबल भी कह सकते हैं। हम RS485 केबल जिसको हम कहते हैं, ये वाली केबल है, ये डायरेक्ट आके इन्वर्टर पे लग जाती है। तो दैट्स इट, ये चीज़ें होती हैं हमारे स्मार्ट मीटर में, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी कहते हैं लोग इसको। इसके दो काम होते हैं बेसिकली, एक तो ये है कि मीटर बाई डायरेक्शनल मीटर लगने से पहले ये आपकी जो है पावर लिमिट कर देता है कि इतना आपका सोलर जो बनाएगा वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, यानी ग्रिड में फीड इन नहीं होगा। और इसके अलावा ये आपको स्टेट्स भी बता रहा होता है कि आपकी आज की पावर कंजम्पशन कितनी है और पावर जनरेशन कितनी है, कितनी आपने एक्सपोर्ट की है, कितनी इम्पोर्ट की है, ये तीन चार चीज़ें आपको आपके एम में बता रहा होता है जो कि हुआवे का जो फ्यूजन सोलर है वो नहीं बता रहा होता है। दैट्स इट, इसके मतलब कोई भी और भी क्यूरी हो, कन्फ्यूजन हो, यू कैन रीच मी आउट। दैट्स इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू।